student. Today I start a new chapter named Matter in Our Surrounding. My name is Rohan Mishra. Welcome to our MPS online course. When I start Matter in Our Surrounding, first we know what is matter. Matter कहते किसे हैं? अगर हम ये lesson पढ़ने जा रहे हैं Matter in Our Surrounding, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि matter कहते किसे हैं. ठीक है? देखिए, इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस अगर मिलके बना है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ये रूम है, ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, फूड है, कुछ भी आप जितने अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हैं. ठीक है, डेली लाइफ में आप लोग जितनी आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब क्या है? वो सब मैटर है. वो सब क्या है? मैटर है. इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में जो मार्कर आप लोग देख रहे हैं, जिससे मैं ये लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये भी क्या है? मैटर है. तो भैया क्वेश्चन ये उठता है, मैटर कहते किसे हैं? सर आपने तो बोल दिया कि सब यूनिवर्स में जितने भी सब मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, तो मैटर एक्चुअली है क्या? तो मैटर है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. यानी कोई भी सब्सटेंस जो किससे बना हो, जिसका कुछ मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर है. मार्कर को मैं ऐसे स्पेस में लेके आता हूँ और ये एयर डिस्प्लेस करता है, एयर को हटाता है और जगह घेरता है. ठीक है, जगह घेरता है. तो इसके पास क्या है? इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. कितना स्पेस घेरा, एरिया को कवर किया और इसका कुछ मास भी है, अप्रॉक्स मान लेते हैं 15 ग्राम है. तो ये क्या हुआ? ये मैटर हुआ. समझ में आया आप लोग को? मैटर की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी फिर से समझ लीजिए, अब हम डिस्कस करते हैं मास के बारे में. मैटर तो क्लियर हो गया, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसके पास स्पेस हो, ऑक्यूपाई करता हो, प्लस उसके पास मास होना चाहिए. ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो मैटर कहलाएगा, नहीं तो वो मैटर नहीं कहलाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं मास की. ठीक है ना, हमने तो बता दिया कि इस सब्सटेंस के पास क्या है? मास है. मार्कर के पास क्या है? मास है. तो मास एक्चुअली है क्या? मास कुछ नहीं होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ध्यान से देखिएगा, इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, इसको सोचिए. केवल हमको साइंस में केवल नॉलेज को केवल गेन रीगेन नहीं करना है, गेन नहीं करना है, हमको इसको समझना भी है. तो इसको समझने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर किससे मिलके बना है? ये मार्कर प्लास्टिक से मिलके बना है. इसमें कितना प्लास्टिक फिल किया गया होगा, यानी कितना क्वांटिटी प्लास्टिक फिल किया गया होगा, वो क्या कहलाएगा? इसका मास कहलाएगा. ठीक है, मास का मतलब समझ में आया, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली पांच तत्वों से मिलकर बनाए, जिसको उन्होंने बोला था पंच तत्व, फाइव बेसिक एलिमेंट्स. पांच बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनाया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. कौन कौन से बेसिक एलिमेंट थे? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. इन सब से मिलके क्या बनाया हमारा? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. इनफैक्ट आपका ट्री हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, ये सब किससे मिलके बने? इन पांचों तत्वों से मिलके बने. एयर से बना है, वाटर से मिलके बना है, स्काई से मिलके बना है, अर्थ से मिलके बना है और फायर से मिलके बना है. ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया मैटर किसे कहते हैं, हमने डिस्कस किया मास किसे कहते हैं, हमने डिस्कस किया कंडीशन समथिंग टू बी मैटर, मैटर को होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो दो पॉसिबिलिटी है, वो मैंने आपको बता दी. पहली पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. दूसरी पॉसिबिलिटी, उसके पास खुद का मास होना चाहिए, तभी वो मैटर कहलाएगा, नहीं तो मैटर नहीं कहलाएगा. ओके, क्लियर. अभी हमने पढ़ा था कि पंच तत्व जो हमें एंशिएंट फिलोसोफर ने बताया था, हमारे इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर ने हमें बताया था कि जो पंच तत्व है वो फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. ठीक है, ठीक है,
उसके बेसिस पे मॉडर्न साइंसेस में बहुत सारी डिस्कवरी हुई और हमारे साइंटिस्ट ने इस नतीजे पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से क्लासिफाई कैसे किया उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम इस लेसन में केवल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ने वाले हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैटर अराउंड अस स्फीयर में हम केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फिजिकल, तो मैं अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं जिससे हम लोग फीलिंग्स, जितने भी तरह की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मेरे आँख है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मैं कान से सुन सकता हूँ, आँख से देख सकता हूँ, ठीक है, अपने टंग से टेस्ट कर सकता हूँ, तो ये सब क्या होती है? ये सारी फिजिकल सेंसेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन सबको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब हमारे साइंटिस्ट ने तो बता दिया कि मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसका जिक्र करना बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं। तो मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसकी बात स्टडी करना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मास की हम स्टडी करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे डेंसिटी की, हम इसमें स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, हम इसमें स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, और भी चीजों की हम स्टडी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने केवल यही टर्म्स लिखे हैं तो हम इन्हीं टर्म्स की स्टडी करेंगे, नहीं, हम ये बहुत सारे टर्म्स की स्टडी करने वाले हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो उसमें हम बहुत सारे टाइप ऑफ स्टेट्स आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम इन सब चीज की हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, देखिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से केमिकली कंबाइन होता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O बनाता है, H2 यानी वाटर। ठीक है, तो H2 प्लस O2 क्या मिलके, ये दोनों केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तभी तो वाटर बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? तो इस तरह से केमिकली क्लास कंबाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को। हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ा, तो मैटर मैंने बताया था आपको, मैटर में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, दो चीज फुलफिल करने की क्राइटेरिया होनी चाहिए मैटर के पास। पहली तो उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई होना बहुत जरूरी है, दूसरा उसके पास मास होना जरूरी है। अब ये दोनों चीज आती किससे, ये आती है केवल केवल और केवल पार्टिकल से आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये केवल आता है केवल पार्टिकल से, बाकी और किसी चीज से नहीं आता है। इनफैक्ट इन इस यूनिवर्स में जितने भी तरह के टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जितने भी तरह के प्लैनेट्स हैं, सब किससे मिलके बने हैं? सब मिलके बने हैं पार्टिकल से मिलके बने हैं। सब किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से मिलके बने। ठीक है, तो उन पार्टिकल की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टीज, पार्टिकल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। देखिए आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे होते हैं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, इसमें प्लास्टिक फिल किया गया तभी ये मार्कर बना है। तो इस मार्कर को अगर मैं, देखिए मैं आपको थोड़ा एटम के बारे में थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, एटम होता क्या है, फिर हम पार्टिकल के बारे में जाएंगे। जब किसी मैटर को हम सब डिवाइड करना चालू कर देते हैं, जब किसी मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है और इसको मैं काटना शुरू कर दूं, काटते काटते ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये पार्टिकल कटना बंद हो जाएगा, जहां पे ये पार्टिकल सब डिवाइड होगा ही नहीं, तो उस पॉइंट को, उस लिमिटिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। यानी वो पॉइंट क्या है? पार्टिकल है। उसी पार्टिकल की हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वही टाइनी पार्टिकल। उस टाइनी पार्टिकल का डायमीटर कितना होता है? 10^-9 मीटर, यानी 0.00000000 चलते चले जाइए 9 मीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से इतना छोटा होता है एक पार्टिकल। सोचिए आप विजुलाइज कीजिए कितना छोटा पार्टिकल होता होगा, सोचना ही एकदम मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा कि ए रेन ड्रॉप कंटेन
10^21 पार्टिकल्स इन इट। अब थोड़ा इस बात को गौर कीजिए, आप लोग बारिश में तो भीगे ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब पानी की एक बूंद हमारे बॉडी पे गिरती है, पानी की जब एक बूंद हमारे बॉडी पे गिरती है तो जो एक बूंद होता है, रेन का एक ड्रॉप होता है, उस रेन ड्रॉप में 10^21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर मैं 10^2 को लिखना चालू करूं तो कितना होता है, 100, 3 को लिखना चालू 1000, उसी तरह से 10^21 वाटर के पार्टिकल से मिलकर एक रेन ड्रॉप बनता है। तो सोचिए वो एक पार्टिकल कितना छोटा होता हुआ, उसको विजुलाइज कीजिए। तो मैं विजुलाइज करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स विच मेक अप ऑफ मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए जो पार्टिकल है वो किससे बना हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल से। देखिए इस तरह से समझिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं H लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन का क्या है, एक एटम है। अगर मैं H2 लिखता हूं तो हाइड्रोजन का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझे। अगर मैं H2O लिखता हूं तो क्या है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है। समझ में आया आपको क्या था। नेक्स्ट है हमारा इसी में, अब मैं बताता हूं कि पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल से किस तरह से मिलके बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने बताया था आपको कि रेन ड्रॉप जो होता है वो 10^21 वाटर के पार्टिकल से मिलके बना होता है। मतलब एक रेन ड्रॉप के अंदर 10^21 वाटर के पार्टिकल्स, यानी एक H2O का। मतलब देखिए अभी आपको पता है हमारे अभी चारों तरफ एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अभी मैं एक वाटर का पार्टिकल लेके अगर अपने हाथ पे लाता हूं तो क्या मेरा हाथ गीला होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल ला के रख देता हूँ तो आप देखिएगा 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं, देखिए अभी अभी जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से रैंडमली मोशन कर रहे हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, चारों तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। और मैं वाटर की बोतल ला के रख देता हूँ यहाँ पे, कोल्ड्रिंक की बोतल ला के रख देता हूँ, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, मोशन करने की टेंडेंसी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मोशन करने की टेंडेंसी पार्टिकल की कम हो जाएगी तो वो आके स्टिक कर जाएगा किस पे, मान लीजिए कोल्ड्रिंक की बोतल है, यहाँ पे आके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सारे चिपकते पूरे यहाँ पे पार्टिकल सारे इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों, यहाँ का टेम्परेचर लो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो पार्टिकल यहाँ पे आके स्टिक कर जाएगा। मोशन करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, इस रीजन की मोशन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। जब इस रीजन की मोशन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो पार्टिकल यहाँ पे आके क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। और स्टिक कर जाएंगे तो जब हम इस वाटर के बोतल को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, पूरा एक वाटर का एक पूरा पैक सा आ जाएगा, मतलब पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और वही पानी क्या होता है, मैटर कहलाता है। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। हमने अभी पढ़ा है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, हमने भी पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में, हमने पढ़ा है अभी मैटर के बारे में, हमने पढ़ा है मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है हमने, हमने पंच तत्व के बारे में पढ़ा है, बेसिक हमने मोटे मोटे 6-7 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं बता देता हूँ, कल हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल कैसे कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, जैसे मैंने शुगर को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो 6-7 घंटे के अंदर शुगर पानी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, हम तो जानते हैं कि शुगर पानी में मिल जाता है 6-7 घंटे में, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, कि पार्टिकल कैसे कॉन्स्टेंटली मूव करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम अगले लेक्चर में हम लोग
पढ़ने वाले हैं, उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोशन को पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन को पढ़ने वाले हैं। तो बी स्टे, बी हैप्पी, फाइट विद कोरोना।